दुनिया के दिलवालों को दिलवाले का सलाम, लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरभ, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला कारा। अच्छा अच्छा, बताओ आपके आपके दांत कहाँ गए वो बता दो, कैमरे में बता दो। ले बताओ, ये मेन क्वेश्चन है। उनकी दवाइयाँ, उनके प्रोडक्ट और उनका नाश्ता अच्छा है, बाकी दर्शन तो बहुत अच्छे हैं गंगा जी। हेलो एंड वेलकम बैक टू बुलेट टाइगर गाइस। तो हम लोग वापस आ चुके हैं बीटल्स आश्रम से। आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और मौसम अभी भी बहुत बेहतरीन बना हुआ है, जैसा कि आपने बीटल्स आश्रम वाले एपिसोड में देखा। तो मैं अभी वानप्रस्थ आश्रम के टेरेस पे आ गया हूँ, बिकॉज वो देखिए सामने बहुत ही प्यारा सा रेनबो आया है जो कि भूतनाथ टेम्पल तक जा रहा है। तो मुझे लगा ये सीन आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, तो आप भी इंजॉय कीजिए इस रेनबो को। तो जी, कुछ ऐसा नज़ारा है वानप्रस्थ आश्रम के टेरेस से। तो अभी शाम हो चुकी है और अब हम चलते हैं ऋषिकेश की मार्केट को एंजॉय करने। उससे पहले मज़ा लीजिए एक बहुत ही प्यारे टाइम लैप्स का। तो जो अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं और आज पूरे ऋषिकेश में बहुत तेज़ बारिश हुई। देखिए बारिश के बाद का सीन, और आज शाम की आरती भी ये शेड में हो रही है, अदरवाइज़ ये शाम की आरती यहाँ पर सामने होती है। ये वानप्रस्थ का अपना पर्सनल घाट है। अब चलते हैं मार्केट कुछ शॉपिंग करने। बाकी मौसम यहाँ पे आज बहुत ही बेहतरीन होता हुआ। ऋषिकेश की एक और मधुर शाम। तो जी, ये ऋषिकेश में हमारी आखिरी शाम है इस ट्रिप की। उम्मीद करते हैं हम अगली बार जल्दी ऋषिकेश आएंगे। ये वाला टूर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ देखा। उम्मीद है आपको भी पसंद आए होंगे सारे एपिसोड ऋषिकेश के। ये देखिए गाय और उसका छोटा सा काका। जी रामफल बताया जाता है कि श्री राम ने भी इस रामफल को एक बार चखा था। क्या स्टोरी अभी है इस रामफल की? अभी? क्या स्टोरी क्या है रामफल की? कोई स्टोरी है? खट्टा मीठा होता है ये, मतलब मैंने सुना है कि श्री राम ने भी खाया था, सच है? खाया था श्री राम, ये तो एक छोटा वाला भी एक बेर आता था तो माता जी ने एक राम जी ने खिलाया था। ओके, तो वो भी आता है रामफल। अच्छा, तो ये कौन सा रामफल है? ये राम जी ने खाया था ना, ये इसको बोलते हैं रामफल, इसीलिए रामफल बोलते हैं। ओके, कोई बात नहीं, हमारी आंखों की लाइट तो पूरी है। जो राम जी के जो खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो खाना पड़ेगा ना, जो जंगली जो फल मिला है वो खाना पड़ेगा। चूरन से थोड़ा खट्टा मीठा लग रहा है, बट तो थोड़ा कच्चा, जैसे वेजिटेबल खाते हैं, भिंडी का भी चबाते हैं। नहीं, भिंडी नहीं, अमरूद का चबाते हैं। सुन तो मेरे भाई, भिंडी का जो छिलके का जो एक कच्चापन होता है ना, वो फ्लेवर कच्चापन है, और वो अमरूद का भी एक हल्का सा टेस्ट फ्लेवर मिक्स कर। अच्छा, 20 रुपये का 6 पीस आता है। तो ये जी रामफल, बोला जाता है भगवान राम जब वनवास में थे तो उन्होंने ये जंगल से ये रामफल खाए थे, तभी से ये फेमस है और ये सिर्फ ऋषिकेश में मिलता है। तो चलिए
आगे चलते हैं मार्केट में। और ये सामने परमात निकेतन हमेशा की तरह सुंदर दिखता हुआ शाम के समय। तो ये ऋषिकेश की मार्केट ऐसे ही सुबह शाम इसमें रौनक लगी रहती है, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे भी, अच्छा टाइम स्पेंड होता है। और अच्छी बात यह है कोविड के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मार्केट में रौनक दिख रही है, विच इज़ गुड थिंग। देखिए गंगा दर्शन कर लीजिए। तो ये शॉप पूरी तरह देखिए कान्हा जी के लिए डेडिकेटेड। सर क्या नाम है शॉप का? शॉप का नाम क्या है? मुरली वाला एम्पोरियम। मुरली वाला, तो ये देखिए शॉप है मुरली वाला एम्पोरियम। यहाँ पे आपको अगर कान्हा जी आपके घर में है या कोई भी आपको कान्हा जी से रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे सब कुछ इन्होंने सामान रखा है। ले सकते हैं इसके साथ में भी। ये क्या काम करता है? ये बच्चों को ऐसे बजाने में काम आता है। देखो जी मशहूर गीता प्रेस, और यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की किताबें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए श्रीमद् भागवत महापुराणा। ये सामने रामचूला। और ये गीता भवन, हमें कुछ काम था गीता भवन में, एक आयुर्वेदिक औषधालय है यहाँ का, चेक करते हैं क्या क्या है वहाँ पर। गीता भवन के पास जी एकदम आयुर्वेदिक जितनी भी औषधियाँ होती हैं दवाइयाँ होती हैं उनकी दुकान है। देखिए इनके पास गौमूत्र अर्क है, ताज़ा आयुर्वेदिक हनी है, अनारदाना है और च्यवनप्राश है। गीता प्रेस वालों की कपड़ों की दुकान भी है, अगर आप गीता भवन के पास आते हैं तो ये देखिए काफ़ी वैरायटी है इनके पास कपड़ों की। आप क्या लेने आए हो? कपड़े लेने आए हो? अभी बात कर लो, बोल ना उनको तू क्या लेना है, बोल क्या नाम लेने आए हो, बताओ आप नाम क्या है आपका? नाम आप क्या करने आए हो मानव? बोल ऋषिकेश कैसा लग रहा है आपको? बेड शीट लेने आए हो ऋषिकेश, कैसा लगा आपको? तूने आज क्या शॉपिंग की वो भी बता दे। चलो अच्छा अच्छा बताओ आपके आपके दांत कहाँ गए वो बता दो, कैमरे में बता दो। ले बता, ये मेन क्वेश्चन है, ये बता। आपके दांत कहाँ गए वो बता दो। नहीं ये बता बता, अभी चॉकलेट मांगी थी अपन को। तो ये छोटा बच्चा मानव शॉपिंग करने आया था अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपको ये शॉप दिखाता हूँ मैं पूरी। राम
ये देखिए, ये गीता भवन है, यहाँ पे साथ में आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान है इनकी, और ये दुकान इनकी गीता प्रेस, हर तरह के कपड़े यहाँ पे मिलते हैं। आप कहीं पे रिपोर्ट दे रहे हैं? तो मेरे साथ अभी जयेश जोशी जी हैं, जो कि बॉम्बे से आए हुए हैं ऋषिकेश, तो इनसे जानते हैं एक्सपीरियंस। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ऋषिकेश का? ऋषिकेश का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यहाँ के लोग अच्छे हैं। गीता भवन के प्रति मुझे थोड़ा सा भाव है, और उनकी दवाइयाँ, उनके प्रोडक्ट और उनका नाश्ता अच्छा है, बाकी दर्शन तो बहुत अच्छे हैं। गंगा जी साक्षात विराजमान है, आनंद आता है, आरती का आनंद ले सकते हैं। वैसे मैं त्रियुगी नारायण भी जाके आया, चौपता भी जाके आया, और उरी मठ भी जाके आया, और हर जगह पे वाइब्रेशन भी है, जगह भी बोलती है, और यहाँ की भूमि में कुछ पावर है जो हमें खींचता है, और वो टाइम पे अपने को सात्विक विचार आते हैं और आनंद आता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो ये देखिए, ये यहाँ के लोगों का, तो ये मानव आ गया, मानव यस मानव, बताओ क्या कहना चाहते हो आपका ऋषिकेश का एक्सपीरियंस, बताओ पूरा नाम बताओ। जोर से बोल, अच्छे से, बिंदास बोल, अच्छे से खड़ा होकर बोल। मेरे को ऋषिकेश बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहां पर बहुत बारिश हो रही है, तो ऋषिकेश में आपने क्या क्या देखा पहले बताओ? मछलियाँ देखी, चलो ठीक है मानव, थैंक यू, बाय। पनीर जलेबी। तो ये मानव जो कि अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने आया था, तो ये गीता प्रेस वालों की सारी शॉप्स हैं। रामफल भैया, कुछ बताइए रामफल के बारे में, क्या स्टोरी है इसकी? ये रामफल होता है, ये यही पहाड़ों में होता है, ऋषिकेश में मिलता है। ओके, ये फ्रूट है, तो इसके पीछे मैंने सुना स्टोरी भी है, श्री राम भगवान ने मतलब इनको चखा था, क्या स्टोरी है वो? मैंने सुना है, पूरी नहीं पता। राम जी ने खाए थे, राम जी ने खाए थे सच में, जब वो वनवास के टाइम में थे। ओके, तो जो हमने बहुत कोशिश की कि रामफल की एग्जैक्ट स्टोरी जान पाएं, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरी स्टोरी पता चली है। तो अगर आपको रामफल के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं। और आज हम मानव से मिले, बहुत ही प्यारा बच्चा है मानव, बहुत चुलबुला, बहुत शरारती, और उसको बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है उसके अंदर। सो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में।